अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूबा आसिम और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इनसाइट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चक्री रोड रावलपिंडी पर मौजूद इलीगल हाउसिंग स्कीम्स की, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि इलीगल हाउसिंग स्कीम्स होती क्या हैं और इनको आप किस तरह पहचान सकते हैं। वाज़े रहे कि इलीगल और फेक में फ़र्क होता है। फेक हाउसिंग स्कीम्स वो होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको स्कीम 33 की मिसाल दूँ, तो आपको एक प्रोजेक्ट बिल्डर ने बोला है बनाने को, लेकिन कल परसों अगर आप जाते हैं तो आपको वो ना वो प्रोजेक्ट मिलता है और ना वो बिल्डर मिलता है, तो वो होता है एक फेक हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट। सिमिलरली अगर हम इलीगल पे जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन कराने के लिए आपको 3 NOCs चाहिए होते हैं। अगर उसमें से कोई एक NOC भी मिस है और आप अपने प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं तो आपका प्रोजेक्ट इलीगल है। अब बात करते हैं रावलपिंडी चक्री रोड पर मौजूद हाउसिंग स्कीम्स की। अगर वहाँ पर 100 हाउसिंग स्कीम्स मौजूद हैं तो क्या आपको पता है कि उसमें से सिर्फ 50% हाउसिंग स्कीम्स लीगल हैं? लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा? आप भी परेशान हो रहे होंगे अगर आपने चक्री रोड रावलपिंडी पर किसी हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, तो आपकी मुश्किल की रेड बॉक्स में आसान। आज मेरा ये वीडियो करने का मकसद ये है कि मैं आपको चक्री रोड रावलपिंडी पर मौजूद उन सारे इलीगल हाउसिंग स्कीम्स का डिटेल में बता सकूँ। ये इन्फॉर्मेशन हमने RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ली है। अगर आप चाहें तो आपको इस वेबसाइट का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और स्टिल आपको कोई मुश्किल दरपेश आती है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपसे स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। अब स्क्रीन पर आपको उन सारे हाउसिंग स्कीम्स के नाम शो हो रहे होंगे जो चक्री रोड रावलपिंडी पर मौजूद हैं, और ये लिस्ट RDA की तरफ से इशू हुई है। इन सब फेक हाउसिंग स्कीम्स के नाम लूँ तो इसमें जाफरिया टाउन, पोस्ट सिटी, गुलशन साहिबान, दुबई सिटी, इस्लामाबाद ग्रीन वैली, लतीफाबाद, सारा टाउन और भी बहुत से नाम हैं जो आपको हमारी स्क्रीन पर विजिबल हो रहे होंगे। जी नाज़रीन, ये तो हमने आपको बताया उन सारे इलीगल हाउसिंग स्कीम्स का जो चक्री रोड रावलपिंडी पर मौजूद हैं। हम माजी में भी आपको बताते रहे हैं कि फेक हाउसिंग स्कीम या रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट करते हुए किसी भी फ्रॉड या स्कैम से किस तरह बचा जा सकता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप इस चीज़ से बखूबी वाकिफ होंगे कि रियल स्टेट सरमायाकारी करते हुए एक इन्वेस्टर को अपना होमवर्क मुकम्मल करना चाहिए। ज़रूरी है कि वो रिसर्च करे बिल्डर की, प्रोजेक्ट की, और अच्छे से मुतमइन होने के बाद इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि एक अच्छा कॉम्बिनेशन बिल्डर और प्रोजेक्ट का बहुत ज़रूरी है। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप एक डॉक्टर के पास गए तो आप प्रॉपर रिसर्च करके डॉक्टर को दिखाने जाते, एक अच्छे डॉक्टर के पास गए और उसने दवा अच्छी नहीं दी तो फ़ायदा क्या हुआ। सिमिलरली एक अच्छा प्रोजेक्ट और एक अच्छा बिल्डर, दोनों का कॉम्बिनेशन जब अच्छा होता है तभी आपकी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट निखर के आती है। अगर आप ऐसी कोई रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किसी फ्रॉड से और स्कैम से बचना चाहते हैं और एक ऑथेंटिक रियल स्टेट सरमायाकारी करके आने वाले फ्यूचर को अपने सिक्योर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रابطہ करें और एक अच्छी सरमायाकारी करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। तब तक मैं अपनी होस्ट को इजाजत, अल्लाह हाफिज़।